हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू सेट ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और टाइम हो रहा है 8:15 और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। मैं हूँ और मेरी एक पड़ोसी है, उनके साथ जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पर थोड़ा देर 1-2 घंटे रुकेंगे, उसके बाद फिर कॉल करेंगे तो आएँगे लेने के लिए, हमें छोड़ के बस ये आ जाएँगे रिटर्न, क्योंकि बच्चे हैं घर में अकेले तो इसी वजह से। तो चलिए, आप लोग को भी मैं ले चलती हूँ और अपना कमेंट मेरे साथ जरूर व्यक्त कीजिएगा। पास में ही है तो जाना तो बनता है फ्रेंड। तो अभी हम लोग चल रहे हैं। लड्डू छोड़ के जा रहे हैं तो डर लगेगा? नहीं, ये क्या है ना, इसकी मम्मी भी मेरी मम्मी के साथ जा रही है, 1 बजे आएंगी, 1 बजे रात के, तो ये दोनों हमारे घर में रहेंगे। बहुत मजा आने वाला है, सो जाना ठीक है ना, कल स्कूल जाना है। ठीक है, इसे तो सोना पड़ेगा, टेस्ट टेंकर में इसका कल स्कूल भी। सो जाना, ज्यादा हाँ हाँ नहीं करना, खाना खा रही हो ना, बेड पे सो जाना। फिर यहाँ सोओगे कि वहाँ सोएंगे? नहीं, यहाँ अकेले कौन सोएगा? वहाँ सोना है, पापा आ जाएंगे, अभी पापा रहेंगे, फिर हम लोग पापा को फोन करेंगे तो फिर जाएंगे लेने तुम लोग को। अरे तो हम लोग यही पास में, नहीं अंकल छोड़ देंगे, हमें छोड़ के फिर आएंगे घर में। पापा पागल होगा ले के, समझ नहीं आ रहा। पापा किसको छोड़ेंगे? हम लोग वहीं पे फिर रहेंगे। नहीं, फिर आ जाएंगे, आ जाएंगे। एक बार का बात समझ में नहीं आता है, इधर इधर आ। आरा देखो, लड्डू आया है, आरा देखो, लड्डू आया, मोबाइल देख रहा है, बाहर निकल जा लड्डू, मोबाइल देख रहा है। और तो मोबाइल देख रहा है लड्डू। और तुम्हारा सर का चोट ठीक हो गया लड्डू? हाँ। दिखाओ कहाँ लगा था बताओ? यहाँ पास जाके दिखाओ। अभी फिर भी सूजन है ना? ए दे नहीं, इधर इधर लगा, यहाँ लगा था, देखो अभी तक सूजन है। बाबा रे उड़ी बाबा, कैसे लग गया था जी? अरे कमिश्नर कपड़ा छोड़ के गेटी के पास लग गया। कैसे लग गया? कपड़ा पीछे से बकरा तो छोड़ दिया, तेज़ भी लग गया। ओ माय गॉड, और सिबू तो बहुत गोरी दिख रही है। हाँ, अभी फिल्टर लगा तो चलो। अरे वो देखिए मेरी मम्मी, और ये साथ में जाने वाली हैं। अरे देखिए आंटी को, देखिए कितनी हीरोइन है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फ्रेंड रात में, रात का भी थोड़ा देख लेते हैं भजन कीर्तन। बहुत ज्यादा जाम लग गया है, बहुत ज्यादा भीड़ है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। देख लीजिए फ्रेंड, ये रात का टाइम है, रात में ही प्रदीप मिश्रा का इंतजार कर रहे हैं लोग यहाँ पे आ करके, बहुत भीड़ है। मैं रात के टाइम का आपको व्यूज दिखा रही हूँ, अभी रात के बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं ना, रात के 9 बज रहे हैं फ्रेंड। हर हर महादेव,
सच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पंडाल है खचाखच भरा हुआ था रात के टाइम में ही, और रात में लोग अभी आते ही जा रहे थे आते ही जा रहे थे, और इधर पूरा खाली है क्योंकि वीआईपी जोन है, और इधर कल सुबह जो टिकट वीआईपी जोन वाला टिकट बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वो रहेगा वही आएगा अंदर में। तो अभी देख सकते हैं लोग आते जा रहे हैं पहले ही पंडाल में बैठने के लिए और यहाँ दर्शन पूजन के लिए। मतलब कल 8 बजे है यहाँ पे प्रवचन और आज रात से ही लोग आ करके बैठे हुए हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहीं पे करते हैं प्रदीप मिश्रा जी प्रवचन जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लगता है इधर आने के बाद। अभी मिश्रा जी रात भर सोएंगे, सुबह आएंगे प्रवचन करने।
यहाँ पंडाल के साइड में भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है फ्रेंड। और देख रहे हैं भंडारा लगा है, कहीं कढ़ी चावल मिल रहे हैं, कहीं छोले चावल मिल रहे हैं, कहीं पूड़ी सब्जी मिल रही है, मतलब बहुत सारे पकवान हैं जो यहाँ पे स्टॉल लगा लगा के लोग मतलब दे रहे हैं, भंडारा में खिला रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर।